अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। साथ रहो, साथ गप्पे मारो और साथ ही बैठे रहो। बस थोड़ी सी अपनी कहो और बहुत सारी उनकी सुनो। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। कराची पाकिस्तान में कैसे मास्टर जी को परेशान किया था। चोटी पकड़कर तब उन्होंने बहुत डांटा था और क्लास से भी बाहर निकाल दिया था। मामा जी ने फिर कैसे मास्टर जी को डपट लगाई थी, लेकिन अंत में माफ़ी भी अम्मा से मंगाई थी। ये बात 50 बार बता चुकी हैं, फिर भी हर बार ये कहानी बड़ी लुभाती है। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। नाना की बड़ी लाडली थी, ऐसा बताती हैं। गुरुद्वारे अक्सर उनके साथ जाती थी। नाना के शब्द कीर्तन में स्वर से स्वर मिलाती थी, ऐसा बताते हुए इमोशनल सी हो जाती है। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। मामा और मासी के साथ लड़ाई होती थी खूब जोरदार वाली, जो हमेशा एक तरफा होती थी। ये निश्चित होता था कि जीत किसकी होगी, कैसे। या तो अम्मा फूट फूट कर रो पड़ती थी और सब सहमे से रह जाते थे, या फिर जोर जोर से चिल्लाकर सबको खामोश कर देती थी। ऐसी चटपटी बातें अब रोज सुनाती हैं। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। पटना में 4 रिक्शे आते थे। सारा खानदान चल देता था फिल्म देखने थिएटर में। समोसे वाला और कंचे वाली सोडा लेकर लड़का आता था। फिल्म तो बस एक बहाना था, इंटरवेल का दिल से इंतज़ार होता था। ये सीन फिल्म से ज़्यादा मज़ेदार होता था। सारी बातें चटकारे लेकर बताती हैं। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती है। पापा से इश्कबाजी के दौरान कैसे भड़के थे नानी हाउस में सब। मामा ने पापा को शहर छोड़ने की वार्निंग तक दे डाली थी, पर प्यार झुकता नहीं। ये वाली कहावत इस जोड़ी ने सच करके दिखला दी थी। बन गई मिस गुरसहानी से मिसेस ईश्वर। ये वाक्या बड़ी दीवानगी से सुनाती है। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती है। फिल्में देखने की खूब शौकीन अम्मा। पिंक सिटी आकर प्रेम प्रकाश, राज मंदिर, जेम थिएटर, पिक्चर और उनकी बातें, कैसे मज़े करते थे, कैसे लाइन में खड़े होकर टिकट लेते हुए गप्पे मारते थे, क्या खुशी के दिन थे वो, ये जताती है। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती है। नहीं खा पाती अब तीखा और चटपटा, चटकारे लेकर, लेकिन मिर्ची सी तीखी वाली बातें बात बात पर सुनाती है। पार्टी, दावत और गेट टुगेदर के किस्से सुनाती है। बनाती थी जिसमें वो लाजवाब टेस्टी खाना, सेलमानी, सिंधी कढ़ी, साई भाजी, आलू की टिक्की, जो मायके से सीख कर आई थी, और फिर मसाला डोसा, इडली सांभर और नारियल की स्पेशल वाली चटनी पापा से सीखी थी। ऐसी नमकीन सी कुरकुरी बातें जी भर के बताती है। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि अब एकदम शांत सी हो गई हैं। दुबली पतली और थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हो गई है, पर मन की ताकत जस की तस है। रात को अगर अच्छी नींद आ जाए तो सुबह उठते ही होता है ये पहला सेंटेंस। बाई को बोलो गिलास और चम्मच ठीक से धोया करे, विम लगा है, देखा है मैंने उन पर। उस मोमेंट अगर कोई बोल दे नहीं अम्मा,
कहाँ है विम? फिर आता है ये वाक्य, अच्छा मुझे कम दिख रहा है तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऐसा कहकर हमको खड़का देती है। फिर बारी आती है बाई की, उसको तो बड़ी जोर वाली पड़ती है। देखा ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है इन लोगों को, ऐसा कहकर शान से हमारी ओर निहारती हैं। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती हैं। शाम ढले उदासी हो जाती हैं। पीड़ा जब शरीर को सताती है, नाना नानी की तस्वीर को जी भर कर निहारती हैं। हम तीनों को बुलाती हैं, बॉडी डोनेट कर देना मेरी, रुकना नहीं किसी के लिए। अलमारी की चाबी गौरी बाबू आप रखो, माँ तुम्हारी खर्चीली बहुत है और पापा हैं भुलक्कड़। आंसू भर आते हैं आंखों में जब लेटने से पहले ऐलान करती हैं, शायद कल सुबह ना उठता हूँ। बस फिर तो हम मुड्डे लगाकर पलंग के आसपास टेका लगा लेते हैं। चमकता सूरज उठाता है जब हम सबको। अम्मा हमारी आंखें खोलती हैं, कहती है, गुड़िया चलो आज लता जी के दो गाने शूट कर लेते हैं, जो मैं विविध भारती पर खूब सुना करती थी बचपन में। ऐसा कहकर फिर से यादों का पिटारा खोलने लग जाती हैं, हमको कुछ खट्टा मीठा सुनाती जाती हैं। अम्मा अब सिर्फ हमारा समय मांगती है।